नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। बीती रात प्लेन एक्सीडेंट में घायल प्रशिक्षु पायलट की हालत पहले से बेहतर, आईसीयू से निकाले गए बाहर। बीती रात प्लेन एक्सीडेंट में घायल प्रशिक्षु पायलट की हालत पहले से बेहतर, आईसीयू से निकाले गए बाहर। हम आपको बता दें, सोनू यादव अपने ट्रेनर विमल के साथ कल रात प्लेन उड़ाने की ट्रेनिंग लेते समय गंभीर रूप से प्लेन क्रैश होने की वजह से घायल हो गए थे। इस दुर्घटना में उनके ट्रेनर विमल की मौत हो गई थी। मौके पर ही गांव वालों की मदद से दोनों को सीट बेल्ट काटकर निकाला गया था। यह तो अच्छी बात थी, जिस जगह पर एक्सीडेंट हुआ वहाँ पर चारों तरफ बस्ती थी, लेकिन किसी भी तरीके की कोई बड़ी अनहोनी नहीं हुई। बस्ती होने की वजह से तत्काल ही गांव वाले मौके पर पहुंच गए। उन्होंने देखा हवाई जहाज के टुकड़े चारों तरफ बिखरे पड़े हैं, दो लोग अंदर फंसे हैं। इस बात की जानकारी तत्काल ही संबंधित अधिकारियों को दी गई। मौके पर हड़कंप मच गया। तत्काल ही गांव वालों ने बगैर देरी किए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। दोनों पायलट को तत्काल ही बाहर निकाला गया। गाँव वालों ने देखा एक पायलट की मौके पर मौत हो गई है, वहीं दूसरे गंभीर रूप से घायल थे, जिन्हें इलाज के लिए तत्काल ही रीवा के संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर एडमिट करके डॉक्टरों की एक टीम ने उनका उपचार प्राप्त। पायलट की हालत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। शाम को उनको आईसीयू से निकालकर वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। फिलहाल डॉक्टर उनकी हालत पहले से बेहतर बता सकता है। आईसीयू से निकलकर जनरल वार्ड में पहुंचना ही सेहत में सुधार के संकेत माने जा सकते हैं। फिर भी डॉक्टरों की टीम बकायदा उन पर नजर रखे हुए है। जिस तरीके से बीती रात प्लेन क्रैश एक्सीडेंट में प्लेन के टुकड़े टुकड़े हो गए, ऐसे में प्रशिक्षु पायलट का बच जाना किसी चमत्कार से कम नहीं माना जा सकता। आज सुबह से ही प्लेन एक्सीडेंट वाले गांव उमरी में शासकीय अधिकारियों के आने जाने का सिलसिला लगा रहा। हम आपको बता दें, चुराहटा हवाई पट्टे से एक प्लेन कल रात उड़ा था ट्रेनिंग के लिए, जिसमें एक एक्सपर्ट ट्रेनर मौजूद थे, वहीं दूसरा प्रशिक्षु ट्रेनर। बीती रात 11 से 11:30 के बीच प्लेन क्रैश हो गया उमरी गांव में। ये इलाका हवाई पट्टी के पास ही है। तत्काल ही गांव वालों ने संबंधित लोगों को सूचना दी थी। मौके पर तमाम लोग पहुंच गए थे। प्रशिक्षु पायलट को रीवा के संजय गांधी अस्पताल में एडमिट किया गया था। सुबह से ही अधिकारियों के आने जाने का सिलसिला लगा रहा। कलेक्टर, आईजी से लेकर सभी जिम्मेदार लोगों ने मौके पर पहुंचकर मौके का मुआयना किया। अब सभी को इंतजार है मुंबई से आने वाली टीम का, उसके बाद ही पूरी तरीके से स्पष्ट हो पाएगा प्लेन क्रैश किस वजह से हुआ। हमारी टीम ने फिलहाल रीवा के संजय गांधी अस्पताल का दौरा किया, जहाँ पर CMO ड्यूटी डॉक्टर संतोष सिंह से हमने पायलट के बारे में बात की। उनका साफ तौर से कहना था, हमारी टीम उन पर नजर बनाए हुए है, फिलहाल उनकी हालत पहले से बेहतर है। डॉक्टर के हिसाब से उनकी हालत बेहतर है, माना जा सकता है अब वो खतरे से बाहर है। फिलहाल डॉक्टरों की एक पूरी टीम उन पर नजर बनाए हुए है। अब सबको इंतजार है मुंबई से आने वाले जांच दल का, उसके बाद ही घटना के कारण एक्सीडेंट क्यों हुआ इसके बारे में हमें पता चलेगा। फिलहाल ट्रेनी पायलट के बारे में हम बात करते हैं, डॉक आप भी सुनिए। प्लेन क्रैश में एक या दो पायलट आपके यहाँ लाए गए थे, आज की तारीख में क्या स्थिति है? हाँ, उनको कल लाया गया था ऐसा मालूम पड़ा है, तो हमारी टीम उनका ट्रीटमेंट कर रही है और पहले से कंडीशन अच्छी है। आपका क्या नाम है, किस पर्सन है? मैं डॉक्टर संतोष सिंह हूँ और मैं अभी CMO ड्यूटी पे रूप में पदस्थ हूँ। ताजा तरीन खबरों के लिए न्यूज नेटवर्क टुडे से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।